ये शाहरुख है ना, कितना प्यारा है। दुआ करे दरवेश, रहम करे अल्लाह। शाहरुख जी का घर कहाँ है? मैं सऊदी शेख अब्दुल रहमान बख्तियार का पीए हूँ। सऊदी? या अल्लाह। तुझे नहीं लगता कि शाहरुख के नूर जो है वो हम पे भी चढ़ा है थोड़ा? शाहरुख भी तो हमारी कायनात का हिस्सा है ना। शाहरुख का भी काफी स्कोप है, एटलीस्ट लोकल ब्रांड्स को तो एंडोर्स कर सकता है ना। वेलकम टू द म्यूजिक लॉन्च ऑफ द फिल्म ये है बकरापुर, जहां मौजूद थी फिल्म की कास्ट एंड क्रू और लीड हीरो शाहरुख भी। शाहरुख कोई ऐसा वैसा बकरा नहीं है, स्पेशल है, फरिश्ता है वो। जी हाँ, यही बकरा है फिल्म का लीड हीरो शाहरुख, जो कि इस म्यूजिक लॉन्च पर काफी स्टाइलिश अवतार में नजर आया। अब अगर बादशाह खान, शाहरुख और उनके फैंस को लग रहा हो कि हमने उनके साथ कोई मजाक किया है, तो हम आपको बता दें कि ये मजाक हमने नहीं बल्कि फिल्म ये है बकरापुर के मेकर्स ने किया है, जिन्होंने अपनी फिल्म के प्रोटैगनिस्ट का नाम ही शाहरुख रखा है। वो लोग मेरे शाहरुख को ले जा रहे हैं। अगर यही माज रहा है तो हम सब साथ भागेंगे। फिगर से भाग गया, वो भी शाहरुख के साथ। इंटरेस्टिंगली इस म्यूजिक लॉन्च पर म्यूजिक कंपोजर्स ने जिस गाने पर परफॉर्मेंस दी वो भी शाहरुख की फिल्म ओम शांति ओम के टाइटल से सिमिलर था। ऐसे में शाहरुख के नाराज होने और एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी होने के सवाल उठने तो लाजमी थे, जिनका जवाब दिया डायरेक्टर जानकी ने। As far as I've understood and based on our brief and limited interaction with his staff, I don't think he's taken offense and we believe that when he gets, I mean it's our genuine, as the maker it's my genuine belief and when he gets to see the film, given that he's a man of great intelligence and wit, it's my genuine belief that he will really appreciate what the film is. Well, Janki, ये तो आपका सोचना है कि शाहरुख बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन शाहरुख इसे किस तरह से लेते हैं ये उन पर डिपेंड करता है। याद है ना आपको, जब आमिर खान ने अपने ब्लॉग में अपने केयर टेकर के कुत्ते का नाम शाहरुख होने की बात कही थी तो कितनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी। यू नो शाहरुख नाम ही ऐसा, सो व्हाट डू यू डू यार, एवरीबॉडी जस्ट फॉल्स इन लव। खैर छोड़िए उन बातों को, वो बातें तो काफी पुरानी हो गई, लेकिन आप ये बताइए कि आखिर आप अपने बकरे का नाम शाहरुख ही क्यों रखा, सलमान या आमिर क्यों नहीं? सलमान या आमिर क्यों नहीं, इसलिए क्योंकि जो बकरा हमने यूज किया फिल्म में उसका खुद का नाम शाहरुख है। बकरा किसका है? हमने कभी किसी का हक ना मारा, हमें जेल में मत डालो, ना ही ऐसे पैदा होता, ना हमारी ऐसी मट्टी पलीद होती। वो लोग मेरे शाहरुख को ले जा रहे हैं। अगर यही माज रहा है तो हम सब साथ भागेंगे। घर से भाग गया, वो भी शाहरुख के साथ। तो हम क्या यहाँ बाबा जी का घंटा बजाने बैठे हैं? वेल, तो ये रहा बकरे शाहरुख की अपकमिंग फिल्म ये है बकरापुर का म्यूजिक लॉन्च। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में शाहरुख इस पर क्या रिएक्शन देते हैं, क्योंकि अब दिल से थोड़े टची हो गए हैं किंग खान। ये अगर उन्हें शाहरुख की सच्चाई मालूम पड़ गई तो। शाहरुख की सच्चाई?